तुम जो है अध्यक्ष कितने देर रह लोगे? अरे तो अध्यक्ष ऐसा है, हम अध्यक्ष जाके लाना थोड़ी ना बने थे क्या? नहीं, जाके लाने नहीं बने तो कितने दिन रह लोगे? तो ऐसा है, देखो सरकार बदल जाए तो वो तो सबको पता पड़ जाएगा। सरकार नहीं बदल जाए, सरकार के कहने तुम बदल जाओ। तो सुना आपने क्या मचा हुआ है, झांसी जिले से दो बीजेपी कार्यकर्ताओं या यूं कहें कि पदाधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग की द न्यूज़ तंत्र पुष्टि नहीं करता है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई सहकारी बैंक की समिति के कोई अध्यक्ष हैं और कोई उनके ऊपर का अध्यक्ष है। किस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को टारगेट दे रही है कि वो आपस में गिद्धों की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें विधायक का भी जिक्र किया जाता है कि विधायक मेरा कोई काम नहीं करता है तो मैं उनके लिए क्यों काम करूं, जब मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने हिसाब से पार्टी के लिए काम करूंगा, आप कौन होते हैं। हालांकि ये कॉल रिकॉर्डिंग अगर विपक्षियों तक जाती है तो उन्हें सीखना चाहिए कि पार्टी के लिए काम कैसे करवाया जाता है। एक ये MNC जो कंपनियां जैसे जो वर्कलोड देती हैं अपने वर्करों को या जो भी उनके अधिकारी होते हैं या जो भी उनके ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, सेम वही काम बीजेपी दे रही है। जो कि इस अगर ये ऑडियो सत्य है तो आप इससे मान सकते हैं कि किस प्रकार के काम मिल रहे हैं। हालांकि इस तरीके से लड़ना, झगड़ना और पूरा टारगेट देना कितना सोचनीय है आप लोग सोच सकते हैं। अब पूरा आप रिकॉर्डिंग सुनिए क्या क्या इसमें जिक्र हो रहा है और आप क्या सोचते हैं इस गिद्ध भरी लड़ाई को लेके, कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। हाँ कौन? हेलो। हाँ सुन रहे? हेलो कौन? जयदेव पुरोहित बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ नमस्कार अध्यक्ष जी, बताइए। ये अपने समितियों पर, हर समिति पे 200 सदस्य बनाना थी भारतीय जनता पार्टी के। बैठक हुई थी, उसमें सबको कॉपी दी गई थी और आप बैठक में आए भी नहीं थे। बनाए हैं आपने सदस्य? भाई भारतीय जनता पार्टी के हम तो सदस्य हैं। अब हाँ, और बनाने के लिए हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में, हम ये नहीं जानते। तो मैं हम राष्ट्रपति तो बना नहीं देंगे आप, हमें बनना नहीं है राष्ट्रपति। तुम समिति के अध्यक्ष हो तो उतनी बात करेंगे तुमसे, तो हमें करने नहीं है। हम फालतू की गदा मंजूरी नहीं कर सकते। नहीं कोई नहीं सुनता है तो उसके लिए जो है तुम अपने विधायक से कहो ना। विधायक से कह ली हमने, सबसे कह ली विधायक से कह ली। राजपूतों को तो चाहिए जितना जो है दीपक ने और यादवों ने नहीं किया उससे ज्यादा यादवों को, अब राजपूतों को चाहिए। क्या चाहिए? तो इसलिए आगे रहोगे तुम। क्या मिल गया हमें? नहीं कुछ नहीं मिला है तो पार्टी में क्यों अध्यक्ष बन गए समिति के? ना हमें पार्टी ने नहीं बनाया, हमें तो जनता पार्टी ने नहीं बनाया। तो पार्टी का करोगे काम के नहीं करोगे? नहीं तो पार्टी का काम हम अपने स्तर से कर रहे हैं, हमें फुर्सत अपने स्तर से कर रहे हैं। तो जो तुमसे कहा जाता है उतना अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है वहाँ। तो क्या क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी से हमें तो जितनी फुर्सत मिला हम नहीं करा? नहीं तो हम फुर्सत मिला या नहीं मिला तुम उल्टे सीधे जवाब देते हो। एक तो कौन से जवाब देना उल्टे सीधे? किसी ने पूछा तो तुम उससे उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे। बताओ बताओ कहा था हमने? अभी हम ही से कह रहे हो कि हम मजदूर नहीं है, पार्टी के फलाना नहीं है, दिमागे नहीं है। ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? बात सही है ना, हमारी कुछ सुननी खड़ा नहीं। हम कहा नहीं सुनते हो तो तुम जो है इस तरह से भाषा प्रयोग करोगे? बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से करोगे। तो ऐसी ऐसी अध्यक्ष 336 घुस रहे तो भाई घुस जाए तो फिर काहे के लाने फोन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो तुम जो है अध्यक्ष कितने देर रह लोगे? अरे तो अध्यक्ष ऐसा है, हम अध्यक्ष जाके लाना थोड़ी ना बने थे क्या? नहीं जाके लाने नहीं बने तो कितने दिन रह लोगे? तो ऐसा है, देखो सरकार बदल जाए तो वो तो सबको पता पड़ जाएगा। सरकार नहीं बदल जाए, सरकार के कहने तुम बदल जाओ। अरे तो हाँ बदलवा दो, हमें धोखा ना दो, ठीक है तो कर लो। वैसे भी हम लोधी हो तुम, तो लोधी लोधिया पटका चला है तुम्हें। देखो उमर को लिहाज कर रहे, हमसे बदतमीजी से बात नहीं करो। ऐसा है कि समिति के तुम अध्यक्ष बन गए तो तुम्हें जा लग रही थी कि बस इसी में हम कुलपति बन जाएंगे। तुमने नहीं बना दो हमें, ठीक है? हाँ तुमने नहीं बना दो ना भारतीय जनता पार्टी में हमें टिकट दो तो नहीं दिया था तो तुम रह लो कितने दिन रहते हो? नहीं हम नहीं माना था अपने काउ को, आधे बाप को नहीं माना था अपने, हमारे पता पाल लिख दो। हाँ तो पतो पाल लीजिए, हम इतनी में समझ गए हम तुम्हें, हम भी तुम्हें जाना है। हाँ तुम्हारे समझ गए कि तुम क्या चीज हो।
तो मैंने दो चार का भगा तो हमारा को ठीक है हमारे गए थे ऑफिस में आपके साइकिल लाने बातचीत कर चतुर्वेदी राजीव चतुर्वेदी की शिकायत लेकर गए थे जब काम नहीं कर रहे थे हमने कहीं सचिव बदलवा दो तो आपने दो चार के भगा दो दुष्कार की तो हम किसी को नहीं भगाते हैं। अरे ऐसे ही भगाओ तो हमारे संग दो तीन जने साथी है और वो दुष्कार की किसी को नहीं भगाते हैं तो मैं ये लग रहा होगा कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ एकदम से जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा तो कोई अकेले हमारे कहने से नहीं बदलते हैं तो हमने भी क्या कह दिया अरे हम तो अरे खेत पे हैं दवाई चिंचवा रहे धान में इतने फुर्सत नहीं ना हम दवाई चिंचवा रहे तो दवाई नहीं हम तुम्हारी छुड़ा रहे लेकिन तुम्हें जो है बात कमीज से किया करो कमीज से करा हम बात लेकिन बात तो सीधो जो है अगर हाई कुछ सुने तो हम बाजी सुने नहीं तुम्हारी सुने तो तुम्हारे से नहीं चल रही सहकारिता तो सहकारिता हमें काउन नहीं बनवा रहा ठीक है नहीं बनवा रहा तो कौन राष्ट्रपति बन गए यार तो जो कू बन गए राष्ट्रपति बन गई समझ में आ गए सरकार बदल जाए तो सबकी औकात पतो पड़ गए हाँ ठीक है हो तुम कछु नहीं बनते हो नहीं तो तुम भी नहीं बनते हो तुम द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।